स्टार लिव्स लाइफ। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खंचनदानी को टीआरपी स्कैम के संबंध में गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भरांभे ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। खंचनदानी से पहले भी इस मामले में पूछताछ की गई है। क्राइम ब्रांच के जांच में सामने आया है कि कुछ केबल ऑपरेटर्स दो LCN लैंडिंग चैनल नंबर इस तकनीक से एक ही चैनल दो चैनल नंबरों पर देखा जा सकता है। खंचनदानी को गिरफ्तार किए जाने पर रिपब्लिक टीवी ने इसकी आलोचना की है। रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों ने केबल ऑपरेटर को भी LCN और LCN संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि खंचनदानी को इस बारे में पता था क्योंकि वो रिपब्लिक के उस व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा थे जहां LCN और LCN प्रमोशन की बात हुई थी। फेक टीआरपी स्कैम का ये मामला इस साल अक्टूबर में सामने आया था, जबकि रेटिंग एजेंसी बाक ने हंसा रिसर्च ग्रुप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ चैनल टीआरपी नंबर में गड़बड़ी कर रहे हैं। हंसा बाक के खिलाफ लोगों के घर में टीआरपी मीटर लगाने का काम करती है। पुलिस के मुताबिक इस मीटर वाले कुछ घरों में रिपब्लिक टीवी और अन्य कई चैनल चला के रखने के लिए रिश्वत दी गई थी। रिपब्लिक टीवी ने आरोपों को खारिज किया है। इस मामले में पिछले महीने रिपब्लिक टीवी के वेस्टर्न रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस महीने की शुरुआत में उन्हें जमानत मिल गई थी। मुंबई पुलिस के विशेष जांच दल ने इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले में स्टे लगाने की याचिका दाखिल की है। गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के कंपनी ने ARG आउटलियर मीडिया ने आरोप लगाया है कि उनके कर्मचारियों को पुलिस हिरासत में टॉर्चर किया गया था। याचिका में रिपब्लिक के सभी कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार के द्वेषपूर्ण कार्रवाई से बचाने जाने की मांग की है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कोई भी सुनवाई करने से मना कर दिया है।